What is up YouTube? So welcome back with another video. So after effects in Nepali. So aajako is tutorials ma chai hamle rotoscopy herne wala chhau. Roto brush bhanchan yeslai chai after effects ko euta most important feature chho jasle chai hamle bhanchan ki फोटो को बैकग्राउंड रिमूव करने तस्ते इसलिए भिडियो को बैकग्राउंड रिमूव कर इसमें बेस हो तब को ब्रश हाई अब ब्रश कसरी यूज करने तो हमें सैंपल देखे बट रोटोस्कोपी चाहे अलग डिफ्रेंट छाला हमें यहाँ बेसिक्स टू एडवांस कवर करने वाला एंड हल्का रेस्ट लिये ये टोटोरियल्स हेन होगा टाइम टू टाइम रेस्ट लिये हाई एकचोट कंप्लीट नगर होगा फर्स्ट यहाँ मैं हे सकून मैं आफ्टर इफेक्ट्स ओपन करे एंड यहाँ मैं कंट्रोल आई और कमांड आई प्रेस कर प्रोजेक्ट फाइल ओपन कर मैं चाहिए फ्री सोर्स यदि चाहिए मैं चाहिए तब वहाँ मेरा इसमें हाल दी एंड अब हे मैं चाहे अरुण कस को लिदेन यहाँ मसंग एउटा इमेज यूट्यूब को हाई वन अफ द मोस्ट फेमस क्रिएटर हाई तब बुझ्हला को अब कैरिमिनेट हाई सो यहाँ मैं इसलिए ड्रैग एंड ड्रप डाउन करें हेन अब यहाँ मैं 4 सेकेंड को क्लिप मात्र लिंचु हाई क्योंकि 5 सेकेंड को लिंचु एंड प्रेस कंट्रोल शिफ्ट डी करने बितिक यहाँ के हो हम स्प्लिट हो रही हाई कसरी स्प्लिट करने यहाँ मैं देखा थे एडिट में गए यहाँ स्प्लिट बने स्प्लिट कर सकूँ हाई डाइरेक्टली एंड अब हेन स्प्लिट करे रोटो ब्रश कहाँ यहाँ हेन टप में बार में हो क्लिक कर क्लिक करने बितिक इसलिए एटा कि अप्टिमाइज कर बट हमें तो देखते अब इसलिए के करने हमें यहाँ लेयर लाई डबल क्लिक कर डबल क्लिक करने बितिक हम रोटोस ब्रश चाहे एक्टिव होता इसलिए स्क्रीन हल्का माथि कराँचु एंड हेन सकूँ मैं प्रिव्यू देखाइं एकचोटि क्योंकि प्रिव्यू मोस्ट इंपोर्टेंट है एंड अडियो मैं म्यूट कर दिस इज आवर मेन क्लिप हाई ये रेकर्डेड भिडियो थे एंड अब हे रोटो यह प्लस आइकन देखा जस्ट ब्रश में प्लस माइनस हो प्लस भैस सिलेक्ट हो एंड माइनस भैस कटआउट करो एरिया है तस्ते कि अब यूज कसरी करने रोटो ब्रश फर्स्ट यहाँ फर्स्ट क्लिप में आँच एंड अब इसलिए के करने यहाँ अब प्लस आइकन बने सीधा के डाइरेक्टली इसलिए सिलेक्ट करूँ कुछ एरिया सिलेक्ट करना चाहिए यहाँ देखि सिलेक्ट कर वन मोर थिंग अब हेन ये सिलेक्ट भग तब आल्ट थीच्छू भैसे यह माइनस होब हे मैं इसलिए माइनस कर एरिया यहाँ माइनस भो मैं रफ सिलेक्शन कर बिस्तार हेन ये भो अब इसलिए के करने यहाँ रोटोस के फ्रेम बाई फ्रेम के फ्रेम बाई फ्रेम सिलेक्शन कर हमें प्रिव्यू देखाई रखे ये साइड में हेन एंड इसलिए हल्का सानों कराचु राइट हल्का इसलिए अब यहाँ हेन ये प्रिव्यू देखा ये सिलेक्टेड एरिया अल्फा यहाँ चैनल देखाई रखे एंड फिर यहाँ हम के एक एक फ्रेम जान्छौं है शिफ्ट और कमांड होल्ड गर्नु यहाँ शिफ्ट आर कमांड विंडो में काम कर कमांड मात्र यूज कर कंट्रोल है एक एक फ्रेम जानू अहाँ रिमूव करता खेल यहाँ हे प्रिव्यू देखा हो सिलेक्टेड हो वह यहाँ हेन अभी छोड़ो यहाँ ये की फ्रेम यहाँ छोड़ नहीं जब यहाँ फर्स्ट है यहाँ ये छोड़ो नहीं अब यहाँ फिर हमें के करूर्ने इसलिए सिलेक्ट करूर्ने इजी छ अंडरस्टैंडिंग को लगी यदि तब ब्रश टूल में मास्टर करूक नहीं फोटोशप में तब यहाँ फिर माइनस हल्का यहाँ मैं रफ हाई एक्जाम्पल को लगी रफ मात्र देखा फिर कंट्रोल होल्ड कर स्पेस भन्ना एक कि अगड़ी जान जस ये अप एंड डाउन बटन छाने राइट एंड लेफ्ट तीर को इसलिए होल्ड कर कमांड संगसंगे यहाँ हेन प्रिव्यू हाई प्रिव्यू देखाई रह जब छोड़ ठैक्क फ्रेम में तो फ्रेम में ठैक्क हम यहाँ पछाड़ी आँच हाई कुछ फ्रेम में छोड़ तैने आएर फिर सिलेक्शन कर यदि अब हेन यहाँ आल्ट होल्ड कर आल्ट अप्सन होल्ड कर तब यहाँ इस क्लिक करूँ भाई माउस ड्रैग एंड डाउन करूँ भाई यता कराने भाई यह ठूल होनी सानों भी होता हाई है हल्का जूम कर ब्रश कति ठूल भाई इसलिए अलग तो धेरे पार्ट नहीं सकना एंड फिर आल्ट और अप्सन होल्ड कर माइनस कर एरिया एंड फिर कमांड स्पेस कर फिर एक की फ्रेम अगड़ी जा यहाँ फिर छोड़े हाई जहाँ छोड़ नहीं तैने ठैक्क आएर तब ब्रशला फिर यूज करूर्ने यहाँ टक्क लाएर यहाँ छोड़े फिर मैं सिलेक्ट कर मैं रफ मात्र देखा क्योंकि इसको सर्ट हालांकि थे कि कसरी बनाए वाले थे हाई अब यह टोटल एक मिनट माइनस कर अल्टर अप्सन हाई तब बुझी राख फिर की फ्रेम अगड़ी जा के होता इसलिए अलग
यदि तपाईँले सिसी 2020 माथि युज गर्नुहुन्छ भने चाहिँ रोटोस ब्रस 2.0 भन्ने आउँछ, त्यसमा चाहिँ एआई टेक्नोलोजी हुन्छ जसले चाहिँ इजिली सेलेक्ट गर्छ है मोबाइल हेर्नु। सपोज थिङ कि तपाईँलाई यति पार्ट मात्र चाहिएको छ, अब म के गर्छु यसलाई यहाँनिर यति मात्र पार्ट चाहिएको छ, सपोज थिङ कि म यहाँ 1.5 सेकेन्डको है ल मान्दिम यहाँसम्म मात्र है इक्जाम्पलको लागि मात्र है, किनभने चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई सिकाउनु पनि छ है त्यति टाइम वेस्ट नगरौँ। एन्ड सेलेक्टेड एन्ड ब्याकग्राउन्डहरू अलिअलि सेलेक्ट भइहाल्छ है, त्यो चाहिँ तपाईँले हल्का टाइम लिएर गर्नुपर्छ यो रोटोस्कोपी है। यो चाहिँ ठुल्ठुलो भिएफएक्समा चाहिँ युज हुन्छ जुन कि ग्रिन स्क्रिनको सहायताले सुट भएको हुन्छ मेबी अर सम अब्जेक्ट्सलाई रिमुभ गर्नको लागि है। यहाँनिर फेरि छोडेको छ है, यहाँनिर फेरि छोडेर म चाहिँ सेलेक्ट गर्छु हल्का यो चाहिँ स्किप गर्छु है यहाँनिर पार्ट। कन्ट्रोल जे गरेर अन्डु गर्न सकिन्छ। लाइक आई थिङ्क यो चाहिँ यस्तो किसिमको चाहिँ धेरै जसो मिममा युज गरिरहेका हुन्छन् अप्सन होल्ड गर्दा है। एन्ड ओ सेट प्लस गर्छौँ, हल्का सेलेक्ट गर्छौँ, जुन एरिया पार्ट सेलेक्टेड हुँदैन नि त्यसलाई चाहिँ सेलेक्ट गरिहाल्नु होला, किनभने चाहिँ यसरी सेलेक्टेड एरिया चाहिँ परेशले नै त्यो गरिदिन्छ। एन्ड हल्का यदि तपाईँलाई ब्रस चलाउन आउँछ भने चाहिँ फोटोसपमा यो चाहिँ इजी हुन्छ। एन्ड अन्डरस्ट्यान्डिङ पोइन्ट के छ भने टेक्निकली कसरी वर्क गर्छ, अब यो चाहिँ हाम्रो पुरा की फ्रेमिङ भयो। अब यहाँनिर म हल्का है यसलाई चाहिँ माथि लिएर आउँछु, यता लिएर आएर एच प्रेस गर्नु बित्तिकै एच अर यो स्पेस बार होल्ड गर्नु बित्तिकै यो चाहिँ फ्रेम सेलेक्टेड हुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई यहाँ राख्छौँ, अब हेर्नु यहाँनिर ब्याकग्राउन्डमा हामीले कति की फ्रेम कहाँनिर के ब्याक कुन कुन ब्याकग्राउन्डमा हामीले की हालेको छौँ यहाँनिर पुरा देखिन्छ। यु प्रेस गर्नु बित्तिकै मैले यहाँ यु प्रेस गरिदिउँ, मैले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ सबै बन्द गरिदिएँ, मैले यहाँनिर यो बन्द गरिदिन्छु। एन्ड अब हेर्नु म चाहिँ अब मेन क्लिपमा जान्छु, हाम्रो यहाँ कम्पोजिसन फुटेज थियो हेर्नु, कम्पोजिसन फुटेजमा पुरा रिमुभ भइसकेको छ एक्चुली यहाँनिर हेर्नु। अब मैले भनेको थिएँ रफ सेलेक्सन गरेको छु है त्यति भएको छैन, यस्तो किसिमको चाहिँ भिएफएक्समा धेरै युज हुन्छ प्रोफेसनल भिएफएक्समा। एन्ड अब हेर्नु म यहाँनिर एउटा सोलिड एडजस्टमेन्ट लेख्छु, अब हेर्नु तपाईँले यहाँनिर कुनै पनि ग्रिन स्क्रिन हाल्न सक्नुहुन्छ, अब होइन ग्रिन स्क्रिन धेरै जस्तो यस्तै गरी नै सुट हुन्छ। एन्ड यसलाई तल हालिदिन्छु, यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ रोटोस्कोपी बेसिक्स टु एडभान्स है, चाहिँ यहाँनिर सेलेक्सन अलिकति रफ भएको छ है, हजुरले बुझ्नुभयो होला रोटोस्कोपी कसरी युज हुन्छ। अब एउटा अर्को पनि छ सेम चिजले सेम तरिकाले हामीले चाहिँ अब रोटोस्कोपी युज गरेर कसरी हामीले चाहिँ भिएफएक्स कम्पोजिसन गर्ने एन्ड कम्पोजिसनवाला पार्ट आउनेवाला छ नेक्स्टमा, त्यसमा सिक्नेवाला छन् कम्पोजिसनहरूको बारेमा एन्ड कसरी कम्पोजिसन बनाउने लेआउट्सहरू डिजाइन्स गर्ने है। सो सी यु अन द नेक्स्ट भिडियो।